केला चाहिए विशाल, तो सारे फ्रूट्स एक बार में खा लेगा हैं? पैसे दूंगा इसे खाने के। ये विशाल भाई पीते हुए जूस को, ये फरमा चुरा क्या प्यारी समझ गई। हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके, और वेलकम है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। सॉरी यार, एक्चुअली जब से कोचिंग पे लगा हूँ ना, तब से ब्लॉग में कंटिन्यू डाल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, टाइम ही नहीं मिल पाता यार एडिटिंग करने का और शूट करने का, क्योंकि यार सुबह 8 बजे जाओ 2 बजे वापस जाओ। फिलहाल आज मैं फ्री हूँ, तो आज चल रहे हैं भाई बाइक की सर्विस के लिए विशाल भाई को लेके। शाम को उन्हें शॉपिंग भी करवानी है और टाइम लगा तो भाई वर्कआउट भी करना ही है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से देर ना करते हुए, एक तो गर्मी बहुत हो रही है बड़ी भयंकर भाई, तो धूप से बचते बचाते फटाफट निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। तो भाई बाइक लगा दिए सर्विस सेंटर में और पहुंच गए हैं, कुछ खा के आते हैं, जब तक बाइक की सर्विस होती है तब तक चलते हैं बाहर कुछ खाने। तो भाई विशाल भाई और मैं आए हैं बिरयानी खाने के लिए, वेट कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिया है। जब तक गाड़ी की सर्विस हो रही है तब तक, गाड़ी की सर्विस में तो टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग जाएगा गाड़ी की सर्विस में। और भाई पसीने का हालत खराब, कसम से बहुत तगड़ी धूप हो रही है बाहर। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी गर्मी में अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, खूब पानी पिए भाई। ठीक है, और बाद में मिलते हैं आपसे हम फ्लैट को बिरयानी खाने के बाद। तो विशाल भाई बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं अपनी। विशाल भाई लो, विशाल भाई की बिरयानी। विशाल भाई को मसाले वाली बिरयानी ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर प्लेन ही खाता हूँ। ये मस्त है, चलो ठीक है खा के मिलते हैं। तो यार भाई 2 बजे आए थे और 4 बजे यहाँ पे, लेकिन अभी भी बाइक की सर्विस पूरी नहीं हुई है। मैं दिखाता हूँ तो मैं 2 बजे अभी भी टाइम लगेगा यहाँ पे। एक तो पसीने दिख रहे होंगे माथे पर, अलग से गर्मी इतनी हो रही है। तो ये लगी हुई है अपने धन्नो रिपेयरिंग पे, सर्विस पे। अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा इसमें, ऑलमोस्ट हो गया है बट फिर भी टाइम तो लगेगा, छोटे मोटे काम ज़्यादा टाइम लेते हैं यार, पता ही है। तो भाई घर आ चुका हूँ सर्विस करवा के गाड़ी की, और टाइम ऑलमोस्ट 5:30 हो गए भाई। 2 बजे के गए हुए, 5:30 हो गए, और अभी भी देखो माथे पे पसीना दिख रहा होगा भाई। ठीक है, और इस भाई गर्मी कसम से रिकॉर्ड तोड़ रही है, उससे बचने के लिए स्टिंग लिया भाई। ठीक है, इसे पीऊँगा, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा, और फिर शाम को करना है वर्कआउट। और भाई बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है बाहर, सच में मतलब हाल ख़राब हो रखा है इतनी गर्मी हो रही है। क्योंकि मैं तो वैसे भी धूप में यार बहुत टाइम बाहर निकला, वैसे भी आज तो हो सकता है इसलिए मुझे और ज़्यादा लग रही हो, बट स्टिल गर्मी है भाई। तो आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अगर काम ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ घर में रहें, और अपनी जो पानी की पूर्ति है वो बॉडी के लिए पूरी कर दे रहे हैं भाई। ठीक है, मैं करूँगा थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद शाम को करेंगे वर्कआउट दबा के, फिर देखते हैं शायद आज शाम को भाई के साथ शॉपिंग करने भी जाना पड़े, विशाल को कुछ कपड़े लेने हैं, मुझे भी 2 शॉर्ट्स लेने, ज़्यादा कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं फटाफट से अपने स्टिंग पीने के बाद, लेट्स गो। तो भाई फाइनली मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हम आ चुके हैं सेक्टर 4 में। ठीक है, मुझे थोड़े से बालों की सेटिंग करानी है, विशाल भाई को ब्लेड ट्रिम करवानी है। बाल वैसे अभी इतने हुए नहीं, लेकिन अब स्टेटिंग से वापस कर्ली पे आ रहे हैं, तो फटाफट करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से बाइक की सर्विस करवा के कहीं अच्छा। ठीक है, जितना जल्दी फ्री हो जाए, शाम को फिर वर्कआउट भी करना है यार, तो फिलहाल बाल कटवाने चलते हैं। तो भाई बाल सेटिंग करवा लिए और हॉट टाइम के बाद थोड़ी सी हेड मसाज ली है, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। ठीक है, और विशाल भाई की भी ब्लेड ट्रिम हो गई, मैंने भी हल्का सा बस कट लगवाया, ब्लेड पर ज़्यादा कुछ खास नहीं करवाया। और धूप हो गई है भाई, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, और वॉलेट रह गया घर से, और रह गई हमारी बाइक, हमने दे रखी किसी काम से। तो भैया आज तो घन की स्कूटी पे ब्लॉग बन रहा है, कोमल की स्कूटी लेकर घूम रहे हैं, पूरा तेल चूस चुका है विशाल अभी तक इसका घुमा घुमा के। ठीक है, तो गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है, गन्ने का जूस पीने चलते हैं, उसके बाद ठीक है। तो पहले करना करना जैसे पहले किया था वैसे कर। मुंह भी धो रहा है, बाल्टी लिया वरना वहीं ला दिया ना कॉम्प्लेक्स में, चल ले नहाने, क्रीम क्रीम लगा के मैं चेहरे को बदली दूँ। केला चाहिए विशाल, तो सारे फ्रूट्स एक बार में खा लेगा हैं? पैसे दूंगा इसे खाने के। ये विशाल भाई पीते हुए जूस को, ये
अरे शर्मा चुरा क्या प्यारी समझ गई। तो भाई गाड़ी की सर्विस करवा के बाल बाल कटवा के अब हम लोग घर आ चुके हैं और अब मैं जाऊंगा नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं करूंगा थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद चलेंगे शाम को पार्क। पार्क में जा करके करेंगे जब मैं कार्डियो वर्कआउट, ठीक है? तो पार्क में मिलेंगे सीधा अगर गए तो, क्योंकि आज फ्राइडे मार्केट भी है। फ्राइडे मार्केट के दिन ना मैं यहाँ निकलता कम हूँ क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक हो जाता तो निकलने का मन नहीं करता, बट फिर भी कोशिश तो यही है कि निकल चलेंगे यहाँ से, वर्कआउट करना है आज, ठीक है? लेकिन अगर पार्क नहीं गए तो घर में अपना फिर वेट ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? तो शाम को मिलूंगा अब जैसे भी होगा। तो यार वर्कआउट से जस्ट अभी अभी घर पहुँचा हूँ, ठीक है? टी शर्ट वी शर्ट बाद में बदलूंगा, अभी फिलहाल जाना है विशाल भाई के साथ में, उन्हें थोड़ा सा कुछ काम है मार्केट में, ठीक है? और मार्केट में भीड़ हो रही थी इसलिए मैंने गाड़ी लगाई नहीं, अब बाइक पार्क करके आराम से मार्केट घूम सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। कौन कौन सी? ब्लैक और ग्रे। शर्ट तो अच्छी है, कलर भी अच्छा लग रहा है। टी शर्ट कैसे आ जाएगी आराम से यार? मेरे भी सेम साइज है, पैन आ गई, बस आ गई ना। तो टी शर्ट से क्या इशू थोड़ी है कोई? हाँ आराम से आ जाएगी। हाँ सेम कलर है, पहले ट्राई करना, ये भी ट्राई कर ही ले कर रहा है तो और क्या। नहीं सेम ही लगा पक्का। तो भाई विशाल भाई की शॉपिंग के साथ ही खत्म होता है हमारा आज का व्लॉग, ठीक है दोस्तों? तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है? हो सकता है व्लॉग आने में थोड़ा टाइम लगे भाई, क्योंकि शूटिंग के दौरान मतलब शूटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा व्लॉग के लिए शूट करने का, क्योंकि कोचिंग के रीजन से मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है? लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एंटरटेन करता रहूँ इसी तरह। तुम मेरे साथ जुड़े रहेगा और देखते रहेगा वेली ब्लॉगर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।